चलिए पंडित जी, अब बढ़ते हैं आगे, तुला राशि के जातकों की बात कर लेते हैं जल्दी से। पंडित जी, तुला राशि वालों के ग्रह गोचर कैसे रहने वाले हैं? देखो, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका ट्रांजिट ये है कि शुरुआत में तो बृहस्पति की पूरी दृष्टि आपको मजा देगी। 2024 की शुरुआत आपके लिए एकदम बहुत बेहतरीन होने वाली है, बहुत अच्छी साबित होगी। शनि बृहस्पति का योग छठे भाव में, राहु तीसरे भाव में, सूर्य और मंगल दूसरे भाव में, बुध और शुक्र 2024 में तुला राशि के कारोबारियों को तरक्की देंगे। इस साल आपका कारोबार तेजी से आगे बढ़ेगा। कारोबार का विस्तार करने के लिए कई सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे। आपकी उम्मीद से ज़्यादा आपको लाभ मिलने के आसार हैं। हालांकि मई से लेकर 2 अक्टूबर 2024 तक ग्रह गोचर आपके थोड़े से वीक हो रहे हैं। इन महीनों में कारोबार में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। इस समय कारोबार का विस्तार करना और कारोबार के लिए निवेश करना, नया कारोबार या नई साझेदारी करने से आपको बचना चाहिए। इन महीनों में आपके प्रयास व्यर्थ हो सकते हैं, ऐसे में सतर्क रहिए। अक्टूबर के बाद समय शुभ होगा। अप्रैल से अक्टूबर के बीच सरकारी कारोबार करने वालों की काफ़ी उन्नति होगी। 2024 में तुला राशि के किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने की संभावना है जिससे उनके व्यवसाय में चार चांद लग जाएगा। उनके कारोबार को देश ही नहीं विदेश में भी फैलाने में मदद मिलेगी। लेकिन आपको एक बात बताना चाहूँगा, यदि आपकी पत्नी भी तुला राशि की हैं या आप तुला राशि के हैं, तो आपको नित्य श्रीयंत्र की पूजा करनी चाहिए और स्फटिक या पारे के श्रीयंत्र की पूजा करनी चाहिए और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को 16 बार कम से कम आपको पाठ करना चाहिए, 8 बार सुबह 8 बार शाम। धूप दीप नैवेद्य से पूजन करनी चाहिए और महालक्ष्मी का आवाहन करना चाहिए। इससे पूरे साल आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास होगा और आप प्रगति करते रहेंगे। जय माँ विंध्यवासिनी।